तो वोट कास्ट करने के बाद लोगों से मिलते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। शुरुआत उन्होंने वोटिंग को लेकर, गुजरात को लेकर नहीं बल्कि मीडिया साथियों को लेकर कही कि इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी आप लोग पीते रहें, अपना ख्याल रखें क्योंकि काम बहुत हो जाता है इस चुनाव के दौरान भी मीडिया साथियों का। लेकिन साथ ही साथ अपील लोगों से यही की कि वोट कास्ट करें, ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वोट डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद भी तीन अहम राज्य हैं जहां पर जनसभाएं हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का उन्होंने जिक्र किया और इसलिए कहा कि ज़्यादा वक्त यहां पर बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की वोट कास्ट करने को लेकर विजेंद्र। और साथ ही ये भी कहना कि किस तरह से राष्ट्र को बदला है, काम करना है इसके लिए और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है और चुनाव उसमें अहम भूमिका निभाता है। और उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि भाई जब देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चुनाव का विश्लेषण करें तो विश्लेषण कीजिए कि दुनिया के 64 देशों के अंदर इस वक्त चुनाव हो रहा है तो वहां की व्यवस्थाओं के साथ भारत का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए तो आपको एहसास होगा कि 140 करोड़ जिस देश की आबादी हो, 98 करोड़ से ज्यादा मतदाता हो, वहां चुनाव को कराना कितना मुश्किल होता है। और इलेक्शन कमीशन को इसका पूरे तरीके से श्रेय उन्होंने दिया है, सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस, सीआरपीएफ और जो अलग अलग सुरक्षा के दल चुनाव कराने में संपन्न होते हैं उन सभी को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और उन सभी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सीट के लिए उन्होंने वोट डाला वहाँ से अमित भाई चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल गांधीनगर वो सीट और वो सीट बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हमेशा से है। लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ से 2019 में अमित शाह चुनावी मैदान में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा एक बार फिर सुना रहे, सुनिए सर। तो बिल्कुल जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन ये सीट बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर वोट कास्ट किया, इसके बाद जिक्र भी किया कि आगे भी तीन अहम राज्य हैं क्योंकि तीसरे चरण के बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण भी, और ऐसे में कह सकते हैं कि सातवें चरण के पहले तक जनसभाओं का दौर जारी रहेगा, गैदरिंग जारी रहेगी, वो तस्वीरें भी देखने को मिलेगी और उसमें अहम हो जाती है। स्टार प्रचार तो बहुत है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, क्योंकि हर प्रत्याशी चाहता है कि वो उनके क्षेत्र में आए, उनके लिए वोट की अपील करे, और इसलिए आज तीन राज्य हैं अहम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और इसलिए वो यहां से रवाना होंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए लेकिन उन्होंने बेहद अहम बातें जरूर कही हैं, उनका कहना भी यही था, मतदाताओं का आभार साथ ही साथ व्यक्त किया उन्होंने। आज बाकायदा महाराष्ट्र में चुनाव है तीसरे चरण में, आज मध्य प्रदेश में चुनाव है तीसरे चरण में, लेकिन वो जो प्रचार करने जा रहे हैं वो चौथे और पांचवें चरण के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो संदेश सब तक जाएगा। और यहाँ शायद एक दिव्यांग बच्ची है जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची है और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हुए, सभी से मिलते हुए, और यहाँ से एक संदेश जो जनता के बीच में जाता है। और देखिए सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उनको एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि, और वहीं जनता से वो सीधा संवाद करें, और जाहिर है ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, वो प्रोटोकॉल को ब्रेक करके जनता से मिल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है, वो अक्सर जनता में जो भी उनको देखने आते हैं कोशिश करते हैं कि वो सभी से किसी ना किसी माध्यम से मुलाकात करें, बातचीत करें, चाहे वो आंखों के इशारों के माध्यम से हो या अभिवादन के साथ या हाथ हिलाकर नमस्कार को स्वीकार करना हो, वो सभी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो न सिर्फ सड़कों पर आपको एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा है बल्कि छतों की दीवारों पर भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आम जनता नजर आएगी। श्वेता ये एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि अमूमन जब प्रधानमंत्री इस तरीके से सड़क पर कदम ताल कर रहे होते हैं तो एक सुरक्षा बड़ा एक चैलेंज होता है, और अमूमन हम देखते हैं कि छतों पर कोई नहीं होता है, जो होते हैं वो सुरक्षा के जवान होते हैं, लेकिन यहाँ आम जनता मौजूद है और इसलिए उनको रोका नहीं गया, कोई खलल डाली नहीं गई। रवि हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, प्रधानमंत्री ने वोट डालने के साथ
हर रंग को दिखाया। उन्होंने ये बताया कि भाई सबकी फिक्र है। उन्होंने ये बताया कि बाकी देशों में चुनाव है, तुलना कर लीजिए देश में किस तरीके से अच्छा चुनाव हो रहा है। उन्होंने जनता से संपर्क साधा, उन्होंने ऑटोग्राफ लिए, वो एक मिनी रोड शो भी करते नजर आ रहे हैं। एक बार में पूरे रंग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये जो जो जिसको रोड शो कहा जा सकता है नहीं, लेकिन इसके जो नज़ारे थे वो बेहद ख़ास हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हर आम और ख़ास जो है वो वोट डालने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इस गांधीनगर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसका ये जो इलाका है, यहाँ पर राणीप जो इलाका है, और मेरे आप दाईं ओर देख सकते हैं कि यही मतदान केंद्र था जहाँ पर मोदी ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। और यहाँ से वोट कास्ट करने के बाद और उससे पहले एक बड़ा रोड शो जो है, एक तरीके से कहें तो वो यहाँ पर दिखाई दिया। इस ओर भी देखिए, जिस तरफ नहीं गए उस तरफ भी आप देखिए, काफ़ी बड़ी जो तादाद में लोग हैं वो यहाँ पर एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संभवतया किसी को भी जो है एक तरीके से कहें तो मायूस नहीं किया। हर किसी से उनके बीच जाकर उनसे हाथ मिलाना। कुछ लोग ऐसे थे जो मोदी का स्केच लेकर आए थे, एक बच्चा जो मोदी का स्केच लेकर आया था, मोदी ने उसके हाथ से वो स्केच लिया, अपने ऑटोग्राफ उस पर दिए और उसके बाद उसे उस बच्चे को सौंप दिया। तो ये जो तमाम जो चीज़ें थी, यहाँ पर मतदाता भी थे और वो बच्चे भी थे जो आने वाले कल के मतदाता होंगे, उन तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, सत्कार किया उन्हीं के इलाके में, उन्हीं की जगह पर। ये सब लोग एक दूसरे के पुराने परिचित हैं। नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह यहाँ से देश की राजनीति पर छाए, और ये जो तमाम लोग जो पुराने समय में इनके साथ रहे, इनको देखते रहे, इन्हें आगे बढ़ाते रहे। तो ये जो चीज़ें थी, आप जैसा कह रहे हैं कि अमूमन जब पीएम का प्रोटोकॉल इस तरह का है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पर किसी को खड़े रहने की अनुमति नहीं होती है, सुरक्षा एजेंसी के जवान अलर्ट किए जाते हैं, वो तैनात किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी, बड़ी तादाद में लोगों ने वहीं से जो जहां जिस तरीके से जिसको जगह मिली वहां से उसने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, सत्कार किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब आए तो सबको नमस्कार करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, और जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया उसके बाद जो शाही लगी थी उनकी उंगली पर उसको दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकले। तो ये जो एक जो संकेत है कि किस तरीके से हर देशवासी को जो मतदाता है उसे पोलिंग बूथ तक पहुंचना चाहिए, रवि, समय के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचना चाहिए। रवि, बिल्कुल, देखिए वोट कास्ट करने के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ अमित शाह पैदल चल रहे हैं, क्योंकि तैयारी ऐसी की गई थी कि वो अपने बड़े भाई के घर भी जा सकते, उनके बड़े भाई भी उनके साथ लगातार मौजूद रहे। अभी क्या अपने बड़े भाई के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए रवाना हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए श्वेता, उनके बड़े भाई जो हैं वो लगातार उनके साथ में थे, और एक तरीके से कहें तो उनकी जो माँ का देहांत हो गया उसके बाद बड़े भाई का उनके साथ आना, और एक तरीके से उन्हें उन तमाम चीज़ों की, चूँकि हर बार जब मतदान करने पहुँचते उससे पहले अपनी माँ के पैर छूते थे, माँ से मिलते थे, लेकिन अब जब वो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो उनके बड़े भाई जो हैं वो एक तरीके से कहें तो संरक्षक की भूमिका में उनके साथ में यहाँ तक आए। उनका उनकी एक तरीके से कहें तो एक भावनात्मक जो हौसला अफजाई है वो उनके बड़े भाई के मार्फत लगातार की जाती रही। दूसरी बात ये कि अभी तक जो उनका निर्धारित प्रोटोकॉल है, निर्धारित जो कार्यक्रम है उसके तहत कार्यक्रम जो आधिकारिक आया वो यही था कि प्रधानमंत्री करीब 7:30 के आसपास जो है यहाँ मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे,
और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बात की जो आधिकारिक पुष्टि है वो बाकी है कि क्या संभव है कि उनके प्रोग्राम में कोई चेंज हुआ हो तो उनके बड़े भाई के घर भी जाएं, अन्यथा वो यहाँ से सीधे जो है चुनाव प्रचार के लिए अपने आगामी अभियान पर जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अमित भाई शाह जो उनके साथ में है, जो उनके पहुँचने से पहले ही यहाँ आ गए थे, चूँकि इस इलाके में गांधीनगर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अपने एंगेजमेंट्स हैं और वो करीब 9:15 से 9:30 के बीच में नारायणपुरा में जो आंचलिक कार्यालय है वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे पूरे परिवार के साथ में। लेकिन उससे पहले चूँकि खुद प्रत्याशी हैं और एक देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, देश का प्रधानमंत्री जब वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचा है तो उनके स्वागत के लिए उनके प्रोटोकॉल में यहाँ पर अमित भाई शाह ऑलरेडी पहुँच चुके थे और तमाम लोगों से मुलाकात का जो दौर है, आप देखिए मेरे पीछे आपको प्रतिध्वनि भी सुनाई दे रही होंगी, लगातार जो लोग हैं वो अभी भी ढोल नगाड़े और अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र जो है वो लेकर यहाँ आए थे और प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत जो है वो इस पूरे मार्ग पर किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको छोड़ते हुए जनता के बीच जाना, उनका अभिवादन स्वीकार करना, उनसे मिलने का जो उनकी परंपरा है उसको बरकरार रखा। तो कुल मिलाकर ये जो शुरुआत है आज के दिन की, गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और ऐसे में ये जो शुरुआत है सुबह की इस बेला में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो ये एक बड़ा मैसेज है तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ इस गुजरात की 25 लोकसभा के जो मतदाता हैं, करीब 4 करोड़ 93 लाख के आसपास मतदाता जो हैं और पूरे मैं एक आपको छोटा सा फिगर भी साथ में शेयर कर देता हूं, करीब 50,000 से ज्यादा समय दर्शक देख रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली है और काफी नई ये तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के अलग अलग अंदाज सभी ने देखे हैं, लेकिन जो अंदाज अभी कुछ सेकंड्स पहले देखा, एक बहुत छोटे से बच्चे को उन्होंने ना सिर्फ गोद में लिया बल्कि बहुत लाज प्यार और दुलार के साथ में उसके साथ में उन्होंने चंद सेकंड तो गुजारे, लेकिन एक मैसेज भी दिया, संभवतः आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं अभी, मानो वो कह रहे हैं उनसे कि इस बार के लोकतंत्र चुनाव में आप भागीदारी नहीं निभा सकते लेकिन अगली बार जब लोकतंत्र का चुनाव होगा तो आप देश के भविष्य हैं। इस युवा शक्ति के मैसेज के लिए, क्योंकि समय उन्होंने गुजारा जनता के बीच, इस मैसेज को कैसे देखते हैं रवि? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जब हम लोग यहाँ लोगों से बात कर रहे थे उस दौरान ऐसे बच्चे भी थे, ऐसा यूथ भी था जो अभी अंडर एज है, मतदाता नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एक मतदाता की तरह उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग के, हर उम्र के जो लोग थे उनके साथ बातचीत की, उनका अभिवादन स्वीकार किया और ये जो दृश्य जो है जिसमें कि बच्चे को गोद में लेना और एक तरीके से एक मैसेज होता है हर बार कि ये जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है आने वाले समय में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली होगी और यही वजह है कि इस जनरेशन को किस तरीके से सशक्त किया जाए, समृद्ध किया जाए और तमाम जो इनके लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य किए जाएं, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। साथ ही साथ चूंकि हम लगातार एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं और वो ये कि उनका घर है, उनका गृह जिला है, उनका गृह क्षेत्र है, हर कुछ उनकी जिंदगी का एक बड़ा जो हिस्सा अगर कहें तो वो यहीं इन गलियों में, इन इलाकों में गुजरा है तमाम तरह के अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए। तो ऐसे में आज जब वो यहाँ पहुँचे तो उनके लिए ये जो इलाका है ये नई बात नहीं है, सिर्फ उनका प्रोटोकॉल बदला है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल्स के लिहाज से कुछ चीज़ें जरूर चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके अलावा किसी तरह का चेंज जो है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री को कई और इलाकों में भी कवर करने का मौका मिलता है लेकिन जब यहाँ अपने इलाके में जब वो हैं तो फील नहीं होता है कि देश के वो प्रधानमंत्री इस तरीके से जनता के बीच पहुँच रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो है उसका रिस्पॉन्स
कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है, एक 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 अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा करता है कि किस तरीके से जनता प्यार करती है, जनता दुलार करती है रवि, और अपने बिल्कुल। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, जिस तरह से आपके जरिए दर्शकों तक भी हमने तस्वीरें पहुंचाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी अहम तस्वीरें हैं। गुजरात की भूमिका भी आज अहम रहेगी क्योंकि गुजरात की सभी सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग आज हो रही है।